देश में कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। इसको देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाते हुए 3 मई कर दिया गया है। लॉकडाउन को लेकर नए दिशा निर्देश आज विस्तार से जारी किए गए हैं। इसी बीच देश में कोरोना के कुल मामले 11,449 से भी ज्यादा हो चुके हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। 1306 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। मुंबई में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। बुधवार को यहां 183 नए मामले दर्ज किए गए और इसी के साथ शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1936 पर पहुंच गया है, जबकि 113 लोग इस वायरस के चलते दम तोड़ चुके हैं। हालांकि 181 मरीज अब ठीक भी हो चुके हैं। बिहार में कोरोना के 4 और नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 70 हो गई है। बुधवार को गुजरात से कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 695 हो गई है। इनमें से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी अपना कोरोना टेस्ट करवाया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे पार्ट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी होगा। सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें भी दी हैं, साथ ही कुछ उद्योगों को छूट दी गई है। ई कॉमर्स कुरियर सेवाओं को राहत दी गई है। जरूरी चीजों को बनाने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे। राजस्थान में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं। इसमें जयपुर के 15 मामले, जोधपुर के 7 मामले और कोटा के 7 मामले हैं। इनके साथ प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1034 हो गई है। मुंबई में आज फिर मेडिकल स्टाफ के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी 3 कोरोना मरीजों के संपर्क में आने के बाद क्वारंटाइन किए गए थे। अब तक हॉस्पिटल के 35 स्टाफ में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार को 121 नए मामले सामने आए। इसी के साथ शहर में मरीजों की संख्या बढ़कर 548 हो गई। देश में कोरोना के कुल मामले 10,815 के पार पहुंच चुके हैं और 353 लोग संक्रमण के चलते जान गंवा चुके हैं, जबकि 1,199 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यहां सिर्फ 51 नए मामले दर्ज हुए हैं। ये दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।